IBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी ने पूजा अर्चना करते हुए ये अभिनेता रवि किशन जो पूरी तरह आस्था के रंग में रंगे हुए हैं और वृंदावन में आते ही भक्तिमय हो गए हैं। वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचे रवि किशन को मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट विशेष रूप से पूजा कराई और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे जहां दर्शन करने आए श्रद्धालु उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते नजर आए। दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो बांके बिहारी जी के दरबार में हाजिरी लगाने आता हूँ। क्या अनुभव? बहुत अद्भुत आनंद आया, इतने बढ़िया दर्शन हुए कि हम बड़े भाग्यशाली। और मैं बाकी बिहारी हमेशा आते रहता हूँ उनके चरणों में। आज इतने 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 शानो शौकत से उन्होंने हमको बुलाया, हमारा बड़ा आदर किए बाकी बिहारी जी। मैं बड़ा मतलब आनंदित हुआ, मैंने इतना सोचा नहीं था जैसे बाकी बिहारी हमेशा, लेकिन इस बार जो हमारा भव्य स्वागत करवाए खुद, तो ऐसी ऊर्जा आई है कि हम क्या कहें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और इस पूरे मंदिर परिसर का मैं भाग्यशाली हूँ, सारे पुजारियों का जो इतनी सेवा करते हैं और इतने यहाँ आते, जैसे मन का सारा दुख दूर हो जाता है। मन की सारी पीड़ाएं या शरीर की पीड़ाएं या जीवन की पीड़ाएं जैसे अपने आप उड़ गई, तो बहुत अच्छा। मूवी भी आप शूट कर रहे हैं मथुरा में एक? जी हम, क्या है मूवी थी? हम उसमें बांके बिहारी जी का ही रूप धारण किए हैं और वो फिल्म का नाम है उर्फ घंटा, उस फिल्म का नाम है। और मैं उसमें शिव भी बना हूँ और बांके बिहारी जी का भी रूप धारण किया हूँ। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका भी मिला कि मैं बांके बिहारी जी की धरती पर उनका रूप धारण कर सकूँ। राजनीति की बात करें तो क्या आगे जो 2019 आने वाला है, कहाँ से आप? 2019 तो अभी जो बांके बिहारी जी का आदेश होगा, वैसे फिलहाल व्यस्तता बहुत है, पार्टी का प्रचार करूँगा मैं और कोशिश रहेगी कि मैं स्टार प्रचारक हूँ पूरे देश में, पूरे देश में घूम घूम के पार्टी के बारे में जानकारी दूंगा लोगों को। और ऐसे अब कोई लालच नहीं रहा मन में कि हमको कुछ सांसद बनना है या हमको कोई मंत्री बनना है, उस सब लालचों से शायद मैं परे जा रहा हूँ। प्रियंका जी के आने से देखिए अब हम कैसे कहें कि कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमको तो जो दिख रहा है देश में वो दिख रहा है कि पूरा दोबारा 2014 मोदी लहर, मोदी जी की लहर दोबारा दिखाई दे रही है। और ये जागरूकता है क्योंकि देश चाहता है कि एक मजबूत पार्टी रहे और ये देश के लिए भी भला है। अगर एक मजबूत पार्टी रहती है तो देश के लिए भला है, हमारी ग्रोथ के लिए भला है। जो मैं एक कॉमन नागरिक की तरह मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक मजबूत पार्टी, आप एक तरफ मजबूत पार्टी करें, दूसरी तरफ नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि उनको डर लगता है। ये नसीर भाई ऐसे क्यों बोले हमको नहीं पता, इतने सालों से तो आनंद ले रहे हैं जीवन का और सब लोग ले रहे हैं, सारे मुस्लिम भाई जितने भी देश में 30 करोड़ से ज़्यादा हैं सब आनंदित हैं, कोई दंगा नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर हूँ, यहाँ पे देखिए आप कोई दंगा नहीं हुई जब से योगी सरकार यहाँ पर आई है। तो आप 30 करोड़ लोग हैं, सब खा रहे हैं, जी रहे हैं, कमा रहे हैं, बाल बच्चा पैदा हो रहा है सबका, जीवन में सब आनंद ले रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कोई असुरक्षित है? ये सब एक हेडलाइन के लिए हमको लगता है, हेडलाइन का खेला होता है और इसको देश भी जानता है और इसको हम लोग भी जानते हैं। हेडलाइन से परे जाना चाहिए, कलाकार को बहुत बचना चाहिए। कलाकार का काम है देश को आनंद देना। कलाकार को देश में त्रुटियां या देश को अलग करने के शब्दों का इस्तेमाल से हर कलाकार को, वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, कलाकार का काम है देश को सिर्फ आनंद देना और उस देश के साथ चलना।